उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। धर्मेंद्र यादव का यहां पर मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और पीएसपी के साथ आलम उर्फ गुड्डू जमाली से होगा। बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को टिकट देकर यादव वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश की है, तो बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार कर सपा के वोट बैंक में सेंध लाने का प्रयास किया। बता दें, आजमगढ़ में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, ये किसी भी उम्मीदवार की हार जीत तय करने का मद्दा रखते हैं। बीजेपी और बसपा की इस चाल से क्या सपा को नुकसान होगा, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने अखिलेश यादव के दल को आजमगढ़ में दम लगाने पर मजबूर कर दिया। राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा थी कि सपा आजमगढ़ से डिंपल यादव को टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और बसपा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ने सपा को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया हो। दरअसल मौजूदा स्थिति में आजमगढ़ सपा के लिए सेफ सीट नहीं है। ऐसे में पार्टी हार के डर से डिंपल को उतारने का खतरा नहीं उठाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सपा को आजमगढ़ में हारने का डर है। अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा मुसलमान सपा से दूर जा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। निरहुआ ने 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन अखिलेश से हार गए थे। उन्हें सपा प्रमुख के 36.36% वोट का लगभग आधा हिस्सा मिला। निरहुआ को टिकट देने से पता चलता है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुड बुक्स में बने हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 2022 और 2027 भी वीडियो को सीएम के रूप में समर्थन देने वाले वीडियो जारी किए थे। यादव आजमगढ़ में मतदाताओं का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख है। इसके बाद मुस्लिमों की संख्या 3 लाख और दलितों की संख्या 2.75 लाख है। बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है, इससे भी सपा का समर्थन भी कमजोर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।